नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे टेक्निक्स पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बोलिए, आप अपने फैमिली इमेजेस बोलिए, अपने इमेजेस बोलिए, यहां तक कि आप अपने फेवरेट हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स के इमेज बोलिए लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है सभी फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कीबोर्ड दिया हुआ रहता है, उसमें दोस्तों थीम चूज़ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, आप में से काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि मैं नए अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले आप सिंपली सेटिंग्स पर जाएगा, सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिंपली अपने लैंग्वेज एंड इनपुट पर चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा रेडमी नोट 4 है, तो यहाँ पर मुझे एडिशनल सेटिंग्स में मुझे लैंग्वेज एंड इनपुट ऑप्शन मिलता है। तो आपका अगर डिफरेंट फ़ोन होगा, दूसरा फ़ोन होगा, तो आपको लैंग्वेज एंड इनपुट आपके सेटिंग्स पे ही मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ लैंग्वेज एंड इनपुट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमको नीचे ऑप्शन मिलता है करेंट कीबोर्ड का, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे वहाँ पर कीबोर्ड गूगल कीबोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका गूगल कीबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया हुआ रहेगा तो आप सिंपली उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे गूगल कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप गूगल कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, उससे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो थीम के ऑप्शन में आपको देखिएगा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे, तो सिंपली आप जो कलर चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको कलर नहीं पसंद है, आपको सिंपली इमेज देना पसंद है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको माई इमेज का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपली माई इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको गैलरी एक्सप्लोर फोटो, तो जहाँ से आपको फोटो चूज़ करना है वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कोई भी एक फ़ोटो जो आपको पसंद है उसे आप चूज़ कर लीजिएगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर जो फ़ोटो पसंद है मैं उसे जैसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को, जिस तरह से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ में एडजस्ट ब्राइटनेस खोलकर एक ऑप्शन मिलेगा, आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली डन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप डन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका जो कीबोर्ड सिलेक्ट हो चुका होगा, या जैसे ही आपका कीबोर्ड जो है सिलेक्ट हो चुका होगा, उसके बाद आप सिंपली अपने व्हाट्सएप में जाइएगा, तो उसके बाद देखिएगा जो आपका जो है कीबोर्ड चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल कीबोर्ड के थीम को चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोज लाता रहूँगा। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।